वक्त के साथ हमारी इसकी ढीली पड़ती है, लूज पड़ती है। और साथियों, आज का एक तथ्य है कि आज के इस कंपटीशन के दौर में सफलता मिलने में देर लग जाती है। आप मेहनत कर रहे हैं, सफलता तो आपको मिलेगी ही, लेकिन सफलता मिलने में देर लग जाती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी यह है, क्यों ना आप अपने चेहरे की चमक को, चेहरे की उम्र को, शरीर की उम्र को ज़्यादा लंबे समय तक जवान रख लें, अपनी उम्र को बढ़ा लें। यही एकमात्र तरीका अब मुझे लगता है सफलता मिलने का इस देश में बचा है, जहाँ पे कंपटीशन में एक नंबर पे 1000 बच्चे टिका होता है। तो साथियों, आज हम बताएंगे आपको आपकी स्किन को टाइट रखने का बेहतरीन नुस्खा, कि यदि अगर आपको सफलता मिलने में थोड़ा वक्त भी लग रहा है तो उतने वक्त तक आप अपने को सर्वाइव कर ले जाए, फिर तो भगवान मदद भेज ही देगा कहीं ना कहीं से। जैसे कि LOC वाली पिक्चर में आपने देखा था, LOC पिक्चर जो सनी देओल की थी, कि मदद ऊपर से आ जाती है, लेकिन जब तक नहीं आ रही है तो आपको छिप के गोलियां चलाते रहना है कि दुश्मन को ये पता न लगे आप बिल्कुल खाली हैं। तो यह नुस्खा आपके स्किन को टाइट करने में मदद करेगा और आपको चमकाने में मदद करेगा। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे एक घर में बनने वाला बेहतरीन स्किन टोनर, जो एंटी एजिंग होती है। साथियों, एजिंग होती है हमारी, जब उम्र बढ़ती है तो सबसे बड़ी एक समस्या आती है, वह आती है स्किन का लटकना, त्वचा का लटकना, और ख़ास तौर से चेहरे पे। इस साइड में यहाँ पे हमारे भी आएंगी, सबके आनी है, लेकिन हम इसको कितना डिले कर सकते हैं, कितनी देर रोक सकते हैं, कितने दिन रोक सकते हैं, कितने महीने रोक सकते हैं, कितने साल रोक सकते हैं। तो हम आपको ऐसा नुस्खा बताएंगे जो सालों के हिसाब से आपके यहाँ पे लाइंस ना आए, यहाँ पे लाइंस ना आए, यहाँ पे लाइंस ना आए, चेहरे पे झुर्रियाँ ना आए, स्किन टोन रहे। तो बहुत ही सस्ता, इस महंगाई के दौर में साथियों, बहुत ही सस्ता नुस्खा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको आप अप्लाई करके अपनी स्किन की टोन कर सकते हैं, स्किन को टाइट रख सकते हैं। और जब आपकी स्किन टाइट रहेगी तो स्किन चमकेगी भी, और चमकेगी तो उम्र थोड़ी कम दिखेगी। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है, ये सत्य है। वक्त के साथ इंसान कमज़ोर भी होता है शारीरिक तौर पे, ये भी एक सत्य है। लेकिन क्योंकि ईश्वर ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने इंसान को सबसे ज़्यादा दिमाग दिया है सारे जीवों में, तो हम इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं कि कितने दिन तक ये दिक्कत हमें ना हो। जैसे मैं आपको एक बड़ी छोटी सी घटना सुनाता हूँ, बताता हूँ। एक बार एक बहुत अच्छे व्यक्ति से बात हो रही थी, बहुत कर्मठ व्यक्ति से बात हो रही थी कुछ दिन पहले। तो वो राजनीति में थे, हैं, तो उनको, उन्होंने 25 साल बहुत मेहनत करी, लेकिन 25 साल मेहनत करने के बाद भी जो होना चाहिए स्थान, वो उस व्यक्ति का नहीं है। मैं खुद इस बात को मानता हूँ। तो ऐसी बात हो रही थी तो उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही, डॉक्टर साहब, जीवन में सफलता मिलने में देर लग रही है, जीवन में सफलता मिलने में देर लग रही है, तो अब एक ही विकल्प हमारे पास बचा है, क्यों ना हम अपने जीवन को ही थोड़ा लंबा कर लें। बहुत अर्थ है इस बात के। ये उस व्यक्ति को पता है कि वो इतना काम कर रहा है, कर लिया है और करने वाला है कि उसको सफलता मिलेगी, लेकिन उसको मिलने में वक्त लग सकता है। और जब तक एक फिट रूप से सर्वाइवल ही एक चुनौती है, तो वही सोच के मेरे मन में विचार आया कि आपके लिए एक ऐसा स्किन टोनर बताते हैं कि अगर आपको भी, हमको भी सफलता मिलने में थोड़ी देर लग रही है, तो क्यों ना अपनी स्किन को थोड़े दिन और बहुत अच्छा रख लिया जाए। क्योंकि जो दिखता है वह बिकता है इस भारत देश की, दुनिया की।
इस दुनिया की ये सत्य है। चाहे जितना सरकार, चाहे जितना कोर्ट फेयर एंड लवली में से फेयर शब्द हटा दें, लेकिन आज भी आदमी देखना पसंद खूबसूरत व्यक्ति को ही करता है, ऊपर से जो खूबसूरत होता है दिखने में। गलत है लेकिन सत्य है। तो साथियों, हम आपको ऐसा अच्छा सा नुस्खा बताते हैं जो आपकी स्किन को टाइट करेगा और एक तरह से आपको एंटी एजिंग का काम करके आपकी उम्र को कम रखने में, दिखने में मदद करेगा। आपको साथियों इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको साथियों एक कप खीरे का, क्यूकम्बर यानी खीरे का जूस लेना है। आप खीरा लीजिए, उसको क्रश कर लीजिए, कूच लीजिए, उसको एक छलनी में उस खीरे के वो जो पेस्ट आपने बनाया है, ध्यान रखिए उसको मिक्सी में नहीं चलेगा, मिक्सी में गर्म होके उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। एक कोमल सी चीज़ को आप बहुत बड़े रोलर में चला दीजिए, चाकुओं के बीच चला दीजिए, नाइफ के बीच में, धारदार चीज़ के बीच में चला दीजिए, तो उसका क्या अंजाम होगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो आपको क्यूकम्बर को क्रश कर लेना है, ऐसे ही किसी भारी चीज़ से जिससे आप घर में मसाले, अदरक कूच के चाय में डालते होंगे, उससे क्रश कर लेना है, उसको एक सीव यानी छलनी में डालना है, उसको आपको प्रेस करना है तो उसका जूस निकल आएगा। उस फ्रेश जूस में आपको एक चम्मच शहद डाल देना है। अब यानी एक कप आपका जूस हो गया क्यूकम्बर का और उसमें एक चम्मच हनी या शहद हो गया। इन दोनों को आपको अच्छे से मिला लेना है, मिला के आप इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में जब यह ठंडा हो जाए तो आपको इसको निकाल के आधे घंटे बाद आपको निकाल के कॉटन की रुई लेके पूरे चेहरे पे इस जूस को लगा लेना है। इसको आपको 15 से 20 मिनट लगा छोड़ देना है, उसके बाद आप अपने चेहरे को धो सकते हैं। ऐसा आप रोज़ एक महीने तक करिए, आप देखेंगे कि आपकी स्किन की क्वालिटी में 100% का ग्राफ ऊपर हो गया। जैसे आजकल के दौर में, आजकल के मोदी जी के राज में शेयर मार्केट ऊपर हो रहा है, इसी तरह आपका जो स्किन है वह बिल्कुल उसका काया पलट हो जाएगा, काया कल्प हो जाएगा और आपकी स्किन चमकेगी, दमकेगी, आप अपनी उम्र से कम दिखेंगे और इस कारण से आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे। इस नुस्खे को साथियों करिएगा। और साथियों, हम आपको बताते हैं ये काम क्यों करेगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप में विश्वास पैदा हो। और जो ये क्यों बताना हमारा है, यही आपके मन में विश्वास पैदा करेगा। हालांकि हम साथ में जानते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो हमसे क्यों का सवाल नहीं करते हैं, हमारे फेसबुक यूट्यूब के बहुत साथी हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है सही बात को सही तरह से आपके सामने रखना, वो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा पूरा करने का। यह नुस्खा साथियों इसलिए काम करेगा क्योंकि इसका जो पहला इंग्रेडिएंट है क्यूकम्बर यानी खीरा, उसमें विटैक्सिन और ओरिएंटिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। यह जो विटैक्सिन और ओरिएंटिन, यह दो केमिकल्स होते हैं, यह आपकी स्किन को टाइट करने में, कोलाजन फाइबर को रीबिल्ड करने में मदद करते हैं। उसके अलावा क्यूकम्बर 95% वाटर होता है, तो यह स्किन को आपकी हाइड्रेट करता है। और साथियों, शहद का तो कहना ही क्या, शहद में 18 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मिला के। और अमीनो एसिड्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल होता है, यानी आपकी जितनी कोशिकाएं बन रही हैं वो अमीनो एसिड, वो प्रोटीन उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। तो 20 में से 18 अमीनो एसिड जो है वह शहद में पाए जाते हैं। शहद एकमात्र ऐसा प्राचीन भारत का योगावशी सब्सटेंस है। योगावशी वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी अन्य पदार्थ की प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं बिना अपने आप को चेंज करे। आप गूगल करिएगा साथियों, ये तथ्य आपको मिलेगा। तो यह एक बेहतरीन और एकमात्र आयुर्वेद का योगावशी सब्सटेंस है। यह एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो आपके ब्लड से, हमारे ब्लड से सबसे क्लोजेस्ट रिसेम्बल करता है, ऐसा साइंस कहती है। और शहद साथियों, मैं आपको बता दूं, 60,000 मधुमक्खियां जब 55,000 मील चल के 60,000 फूलों का, 20 लाख फूलों का रस निकालती हैं, तो आपको आधे किलो से भी कम
495 kgs यानी 500 ग्राम से कम शहद मिलता है। तो इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, तो ये आपके चेहरे की स्किन को क्यों नहीं टाइट करेगा, आप सोच के देखिए। करिएगा साथियों इस नुस्खे को, और हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा कि आपको इस नुस्खे से लाभ मिला कि नहीं, आपकी स्किन जमा हुई कि नहीं, आपकी स्किन टाइट हुई क्यों नहीं, और सफलता के लिए आपकी इससे दिखने वाली उम्र बढ़ने में मदद मिली कि नहीं। कि सफलता मिलने में देर हो रही तो थोड़ी उम्र अपनी बढ़ा लो, यह उस बात में आपकी मदद करेगी। करिएगा साथियों उस नुस्खे को और हमको बताइएगा आपको कैसा लगा। कोई क्वेरी हो साथियों व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे पाए। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और उससे ज़्यादा शेयर करिएगा, अन्य लोगों तक पहुँचाइएगा। और आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब करा होगा, अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराने में अपना योगदान दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। मैंने आपसे इतना कुछ मांग लिया साथियों, और आप हमारे लिए करते भी हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज के इस मौके पे आपका साथ रहने के लिए धन्यवाद और साधुवाद। आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा डॉक्टर उमंग खन्ना हमेशा ये प्रयास करेगा कि आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ पहुँचे, धन्यवाद, सबसे अच्छी बात पहुँचे, धन्यवाद।